वाली को आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमजान मुबारक। आज मैं चटनी बनाऊंगी, इडली की चटनी बनाएंगे हम, इडली और खजूर की चटनी बनाएंगे, आलू बुखारे की बनाएंगे और धनिए हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले मैं इडली की चटनी बनाऊंगी। इडली को मैंने भिगो के रख दिया था, अब इसके बीज निकाल लेंगे हम। इसको मैं पतीली में छान लूंगी। इडली को मैंने छान लिया और इसके अंदर 2 गिलास पानी रख दिया। अब मैं इसको पकाने लगूंगी। अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने इसमें आधी प्याली डाली है। इसी में मिर्ची डालेंगे 2 चम्मच। नमक डालेंगे 1 चम्मच। जीरा कुटावा डालेंगे 2 चम्मच। अब हम इसको पकने देंगे इतनी देर के लिए गाढ़ी हो जाए। इडली की चटनी बन रही है। अब मैं खजूर और इडली की चटनी बनाऊंगी। अब मैं ये चटनी के लिए ग्लेंड करूंगी इसको, इसमें खजूर डालूंगी और ये इडली का पल्प है ये डालेंगे। किसी भी मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच और इसको ग्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको ग्लेंड कर लेंगे। खजूर और इडली की चटनी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी नहीं डाली है। अब मैं इसको बोतल में भर लूंगी। अब मैं कराऊंगी हरी चटनी। हरी मिर्च डालेंगे और लहसुन डालेंगे। जीरा डालेंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ग्रीन चटनी भी तैयार है। अब इसको भी जार में निकाल लूंगी। इडली की चटनी भी तैयार हो गई है। मैंने इसको इतना गाढ़ा रखा है, ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। इसको भी हम बोतल में निकाल लेंगे। पर होगी आलू बुखारे की चटनी। अब इसको पकाने रख देंगे। आलू बुखारे डाल दिए कढ़ाई में और इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। इडली डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको पकने देंगे। थोड़ी देर जब ये पक जाएगी तो हम इसमें थोड़ा कलर डालेंगे। आलू बुखारे की चटनी पक रही है। अब हम इसमें रेड कलर डालेंगे 1 पिंच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी भी मिर्ची डालेंगे 1/2 चम्मच। पांच मिनट तक इसको अच्छे से पकने देंगे, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। आलू बुखारे की चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम इसको जार में निकाल लेंगे। चारों चटनियाँ तैयार हो गई है। ये आलू बुखारे की चटनी है, ये इडली की चटनी है, ये इडली और खजूर की चटनी है, ये धनिए की चटनी है। इन तीनों चटनियों को आप 15 से 20 दिन तक फ्रीजर में रख सकते हैं और ये ग्रीन चटनी को आप 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। पकौड़े समोसों के साथ ये खाई जाती है, बहुत मजे की लगती है। आप अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और इसको पकौड़ों समोसों के साथ खाइएगा, ये बहुत मज़े की लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।